अब इसमें हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया क्या है, पहले एरिया की डिफाइन जान ले। एन ऑब्जेक्ट सर्टेनली ऑक्यूपाइज सम सरफेस इन लेंथ एंड ब्रेथ। द अमाउंट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो एरिया जो है हमारा वो क्या है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर का ये लेंथ है हमारा 2 सेंटीमीटर। चारों साइड हमारे स्क्वायर के सेम होते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ और जो भी है हमारा चारों साइड इक्वल होंगे 2-2 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो जगह है, इसके बीच का जो सरफेस है, ये क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एरिया। ऐसे ही हमारा रेक्टेंगल का होता है, जैसे अगर ये हमारा एक, इसका लेंथ अगर हमारा 4 मीटर है और इसका ब्रेथ हमारा 3 मीटर है, तो इसके बीच का जो सरफेस है, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, ये दिख रहा है ना, ये हमारा कितना मीटर होगा। तो इसको हम फॉर्मूला है इसका, जिसके कि हम आराम से निकाल सकते हैं, तो आपको फार्मूला भी बताएंगे अभी। सबसे पहले हम आ जाते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर पे। इसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब साइड किसको कहते हैं, ये जो हमारा एक साइड हो गया, चूँकि हमारे चारों साइड इक्वल होते हैं, तो हम साइड मल्टीप्लाई साइड करके स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर में एक और फार्मूला आता है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर हमारा इसका एरिया दिया हुआ है, अंदर का पार्ट दिया हुआ है, तो हम साइड कैसे निकालेंगे, साइड निकालेंगे रूट अंडर एरिया। ये जो सिंबल बना है, ये हमारा है रूट का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रूट अंडर एरिया। अब हमारा रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब ये लेंथ हो गया और ये जो है ये हमारा ब्रेथ हो गया। इसमें इधर का हमें लेंथ नहीं दिया, इधर का भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये अगर 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि हमें पता है आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो सेम होती हैं रेक्टेंगल में। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन है सुमेटिव एक्सरसाइज 61 में। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हमें एरिया निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें ही हमारा लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होता है। स्क्वायर में सिर्फ एक ही साइड दिया रहेगा, स्क्वायर जब भी होगा उसमें एक ही तरफ का साइड दिया रहेगा, दो तरफ का नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमारा हो गया आंसर। इसी तरह के हमारे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हैं, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको प्लीज़ आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ लिखना है आपको, मेंशन करना है, जैसे यहाँ हमारा 7 मीटर है और ये 6 मीटर है, जब हम इनको भी यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो बार हमारा मीटर मल्टीप्लाई होके स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एरिया जब भी निकालते हैं हम, चाहे वो रेक्टेंगल का हो या स्क्वायर का हो, जब हम आंसर लिखेंगे तो स्क्वायर मीटर में ही आंसर लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी यहाँ यूनिट दिया रहेगा उसके आगे SQ लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन सेम ही है, कारपेट का हमारा लेंथ दिया है, क्योंकि लॉन्ग है मतलब लेंथ है, और वाइड है मतलब ब्रेथ है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ लिख देंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है, ठीक है। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, आंसर में भी हमें ये स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है, अदरवाइज हमारा आंसर परफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसमें भी हमारा एक रूम का लेंथ और विड्थ दिया है, विड्थ मतलब ब्रेथ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम अपना मेंशन करेंगे यहाँ लेंथ और ब्रेथ, फिर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, सारे क्वेश्चन इजी है, मैम ने बेकार में बना दिया, हम खुद ही कर लेते हैं। गार्डन कैसा है हमारा, लॉन्ग है 120 मीटर और वाइड है, यानी कि ये भी हमारा रेक्टेंगल साइज का है, तो लेंथ और ब्रेथ हम मेंशन करेंगे, एरिया निकालना है इसका भी। सो फार्मूला तो आपको लिखना ही लिखना है, अब तक तो फार्मूले भी याद हो गए होंगे, क्योंकि इजी है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट हमारा है
द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 43 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सब में हमारा एरिया ही निकालना है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे, लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे, और ये भी लिखना जरूरी है क्वेश्चन से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट इतना तो लिखेंगे। फिर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन, अभी तक हमने जितना भी किया था वो सारे हमारे रेक्टेंगल के क्वेश्चन थे, तो सेम हमारा फॉर्मूला आ रहा था। बट अब जो क्वेश्चन है ये हमारा स्क्वायर का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, हम अपने प्यारे फॉर्मूले को ज़रूर से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसको याद भी करेंगे, और सारे क्वेश्चन में जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, सो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब नाइन्थ में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अलग क्या है? यहाँ पर हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? साइड। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको मेंशन करवाया है, ये फॉर्मूला साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये जो हमारा रूट अंडर है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको सॉल्व करना। इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे, ये जो नंबर है हमारा, क्योंकि ये हमारा एरिया है तो हम इसको रूट के अंदर लिख देंगे, और स्क्वायर सेंटीमीटर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रूट लगा दिया है। ठीक है, रूट लगाने के बाद ये जो नंबर्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसका हमें जो है एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम हम जब भी लेंगे इसका, और आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम में क्या, हमने एचसीएफ और एलसीएम इतने बड़े बड़े नंबर का पढ़ा है पहले पीछे के चैप्टर्स में। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इसके हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़े थे, तो डिविजिबिलिटी रूल्स की सहायता से हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें पता है लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही कट होगा। ठीक है, तो 5 से कट गया, फिर 5 आया तो फिर 5 से कट हुआ। अब यहाँ ये मत सोचना कि 1 है इसलिए 11 से कट हुआ, 121 सिर्फ और सिर्फ 11 से ही कट होता है, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, और ये भी हमें 11 के डिविजिबिलिटी रूल से पता चलता है। तो ये इस तरह से हमने एलसीएम लिया है, और एक चीज़ देखना कि यहाँ पर 5 2 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा इस तरह का आएगा ना, वो हमारे जब आंसर आएंगे तो इस तरह से जोड़े में ही हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे, और हमें प्राइम फैक्टर से ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चारों नंबर यहाँ लिख दिया है। इसके बाद जो लिखा है 5 के ऊपर 2 और 11 के ऊपर 2, ये क्या है? इसको कहते हैं हम स्क्वायर, यानी कि दो बार जब लिखा गया है तो इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें जब ये रूट हटाना है तो हमें इस स्क्वायर को भी हटाना होगा, तब हमारा आंसर आएगा 55 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, देखिए समझिए। और एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 141 में सेम क्वेश्चन है, नंबर सिर्फ अलग है, तो आपको वो क्वेश्चन भी देख करके करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, इसमें आपको क्या है कि एरिया निकालने के साथ साथ आपको कुछ और भी निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ ऑन ब्रेथ ऑफ द हॉल इज 56 मीटर एंड 42 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹1 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हमारा एक रूम है, हॉल है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है यानी कि रेक्टेंगल है, तो हम इसका पहले सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालना आ गया आपको। इसके बाद हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ इट्स फ्लोर, उसमें जो फ्लोरिंग हुई उसमें क्या खर्चा आया वो निकालना है। तो खर्चा हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया है 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें ₹1 का खर्चा आता है, तो 2352 स्क्वायर मीटर के लिए क्या खर्चा आएगा, तो हम इस तरह से निकालेंगे जैसे यूनिटरी मेथड में करते थे। कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग फ्लोर इज 1 स्क्वायर मीटर इज ₹1, सो कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज 2352 स्क्वायर मीटर।
मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो ठीक सेम टू सेम आपका 11 भी है और 12 भी है। 11 में भी हमारा इसमें स्क्वायर फील्ड है और इसमें ग्रास लगाने का खर्चा पूछ रहा है कितना आएगा, तो इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया कैसे, यहाँ दिया हुआ है हमारा, उससे हम एरिया निकाल देंगे और फिर प्लांट लगाने का जो खर्चा आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा 10th है और 12th भी हमारा वैसा ही है। स्क्वायर फील्ड है जिसका कि हमारा एक साइड दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है, फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन इट एट ₹0.70 पर स्क्वायर मीटर। इसमें है हमारा कि हमारा जो ग्रास लगाने का खर्चा है वो कितना है, 70 पैसे का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हमने एरिया निकाला, फिर यूनिटरी मेथड से इफ़ कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इज 1 स्क्वायर मीटर इज ₹0.70, सो कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इज जो भी हमारा एरिया है 15,625 स्क्वायर मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम आंसर निकाल देंगे। होपफुली चैप्टर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान चैप्टर है और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो आप लोग कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।